बहुत आवश्यकता है अपने आप को समझने के लिए। जितने जीवों ने लोक में धर्म की व्याख्या की है, उन्होंने सारा का सारा धर्म का जो प्रूपण किया है वो परायश्री भाव से किया है। और जो परायश्री भाव से धर्म की व्याख्या हुई है वो स्वधर्म के पास नहीं पहुंच पाए। लोक में हर व्यक्ति धर्म को जानता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति ने धर्म को नहीं जानता हो। अग्नि का धर्म शीतलता नहीं है, उष्णता है। क्या आप अग्नि को नहीं पहचानते हो? जल का धर्म शीतलता है, उसे आप समझते हो। वायु का धर्म बहना है। वनस्पति अपने धर्म से युक्त है। पांचों स्थावर अपने अपने स्वकीय धर्म से युक्त है। ज्ञानियों, जलचर अपने धर्म चुकते हैं, थलचर अपने धर्म चुकते हैं, नवचर अपने धर्म चुकते हैं। ऐसा लोक में कोई भी प्राणी नहीं है, जड़ चेतन ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो धर्म शून्य हो। उस धर्म को आप जानते हो। सम्मान का भाव आता है तो उसके लिए बहुत कुछ खोज कर लेता है। अपमान करने का भाव आता किसी का, उसके लिए बहुत तैयारी कर लेता है। किसी के विघात का भाव आता, तैयारी कर लेता है। परंतु मित्र जिससे भगवान बना जाता है उसकी तैयारी कब करने चाहोगे? जिससे भगवान बना जाता है, ये कोई पर्वतों पर नहीं है, कोई जंगलों में नहीं है, नदियों के किनारे भी नहीं है। ज्ञानियों, ये कोई तीर्थों के शिखरों पर नहीं है, ये धर्म की है तो तुम्हारी आत्मा के अंदर है। वो आत्मा का धर्म है। इसलिए इस धर्म को समझने के लिए आंख खोलने की भी आवश्यकता नहीं है, इस धर्म को समझने कान खोलने की भी आवश्यकता नहीं है, इसको सूंघने की भी आवश्यकता नहीं है, यानी आपको सुनने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस पर रस गंध वर्ण जो है वो पांच इंद्रिय का विषय है। जो आत्मा का धर्म है वो इंद्रिय विषय नहीं है। इंद्रिय विषय सुनोगे तब तुमको क्षमा धर्म सुनाई पड़ेगा। सुन की आवाज सुनी कभी आपने? सुन की आवाज सुनी कभी आपने? विश्वास मानो अंकित, स्वयं की भी आवाज आती है। और बेटा, जो आपने दूसरे की कराहट सुनी है, ज्ञानियों, शिवरात्रियों, दूसरे की कराहट सुनी है, दूसरे को बिलखते देकर के तुमने दया दिखाई है, पर आप इस बात को भूल चुके थे आपकी सुखी आत्मा कितने बार बिलकी है तब तुमको दया नहीं आई। कितनी बार बिलख चुके, कितनी बार बिलखे हो, प्रतिदिन बिलखते हो। जब जगत से प्रीति तुम्हारी बढ़ रही थी, जब जगत से प्रीति तुम्हारी बढ़ रही थी, उसी समय मित्र तुम्हारे सामने कसाय आगे खड़ी हो गई और क्षण मात्र में क्रोध से प्रीति का नाश हो जाता है। क्षण मात में क्रोध से प्रीति का नाश हो जाता है। मेरी बात सुनो, फिर मैं आगे की आपसे बात करता हूँ, पहले समझो। क्षण मात में डॉक्टर सुधीर प्रीति का नाश होता है, क्षण मात में माताओं प्रीति का नाश होता है, क्षण मात में प्रीति का नाश होता है। आप सुनिए पहले, क्षण मात में प्रीति का नाश होता है। कांच के गिलास को टूटने में समय लग सकता है, पर मित्र वो जमीन पे गिरेगा तब टूटेगा। पर तुम्हारे मुख से कोप भरे शब्द निकलते ही तुम्हारे प्रीति समाप्त हो जाती है। प्रीति समाप्त हो गई। मेरी तरफ मत देखो, आप तो ये देखो एक साल पहले तुम्हारी किन किन से प्रीति थी, आज तुम्हारी प्रीति समाप्त हो चुकी है। जिस घर में एक थाल में रोटी खाते थे उस घर के आंगन में दीवार खड़ी हो चुकी है। क्षण मात में प्रीति समाप्त हो चुकी। जित पत्नी के साथ बैठ करके तुमने पुत्र को जन्म दिया था मित्र, आज वो पत्नी अलग रह दी, पति अलग रह रहा है। जिस पिता ने तुम्हें दुलार से पढ़ाया लिखाया था वो पिता तुमसे दूर चला गया है, तुम उससे दूर हो चुके हो। क्षण में प्रीति नष्ट हो चुकी। महावीर भैया पाटनी जी, जिस ससुराल में व्यक्ति को सम्मान से टीका किया गया था, आज उस ससार में कोई पानी को नहीं पूछ रहा है। बोले क्या हो गया?
क्षण में प्रीति विनष्ट हो चुकी, प्रीति नष्ट हुई, क्रोध से प्रीति का नाश होता है। जो कभी गुरु अपने शिष्य को 24 घंटे साथ रखता था, शिष्य गुरु से दूर नहीं होते थे, क्रोध से प्रीति का क्षय होता है। पहला भंग समझ आगे की बात करते, क्रोध से प्रीति का क्षय होता है। जिसको अपनी प्रीति समाप्त कराना हो, जैसे ज्ञानियों हरे भरे वृक्ष की खोट में, हरे भरे वृक्ष की अंदर एक जरा सी हींग रख दो वृक्ष सूख जाता है, ऐसे हरी भरी समाज में, हरे भरे परिवार में, हरे भरे राष्ट्र में और हरे भरे मित्रों के बीच में आप क्रोध की हींग रख दो, क्षण मात्र में प्रीति सूख जाएगी। हाय क्या किया तक, एक क्षण संभाल लेते अपने आप को, एक क्षण संभाल ले अपने आप को। आते कोप को देख करके, आते कोप को देख करके, हे मित्र, जैसे बड़े बड़े बांध में फाटक पड़े हुए हैं और जैसे ही पानी बढ़ता है नगर ना उजड़ जाए, बांध के गेट बंद कर दिए जाते हैं, बांध के गेट बंद कर दिए जाते हैं जिससे कि नगर ना उजड़े, ऐसी कसाय तुम्हारे अंदर भड़ के उसके अंदर क्षमा का फाटक डाल दो। और जैसे क्षमा का फाटक पड़ेगा, विश्वास मानो अब बच जाओगे। क्रोध अनल है, क्रोध अनल है, क्रोध अनल है, यानी अग्नि है, क्रोध अनल है। एक बार पानी के बहाव में, कम से कम पानी के बहाव में कोई व्यक्ति डूब गया, मर भी गया तो मुर्दा तो मिलेगा। पानी के बहाव में कोई डूब गया, मर भी गया, सुधीर भैया मुर्दा तो मिलेगा, लेकिन अग्नि के अंदर मुर्दा भी नहीं मिलेगा। आपको मालूम होना चाहिए, आपके नगर गोंदिया में कुछ दिन पहले एक होटल में आग लग गई थी मित्र, मुर्दे भी नहीं मिल पाए, राख हो गए, राख हो गए, बालम होना चाहिए। औरंगाबाद में एक विमान में अपने जैन समाज के लोग भी थे, विमान क्रैश हुआ, उसके अंदर मित्र लोग खोज नहीं पाए कौन हमारे घर का सदस्य था। पानी में कम से कम लाश तो मिल सकती है, लेकिन अग्नि तो लाश को भी नहीं वापस करती है। ऐसे ज्ञानियों विश्वास मानिए, विश्वास मानिए, यदि कहीं ना कहीं अग्नि लग गई तो राख तो मिलेगी, लाश ना मिली। राख तो मिलेगी, लाश नहीं मिली, परंतु क्रोध की ज्वाला ऐसी है जिसमें राख भी नहीं मिलती है। खोजते रह जाओगे, खोजते रह जाओगे, खोजते रह जाओगे। एक क्रोध ने क्या क्या नहीं करा दिया। मुख से पिता कहते रहना, मुख से गुरुजी कहते रहना, मुख से प्रभुजी कहते रहना, ये सरल है, लेकिन हृदय से तभी तक गुरु हैं, तभी तक प्रभु हैं, तभी तक पिता हैं, तभी तक संबंधी हैं, जब तक तुम्हारे पास क्रोध की ज्वाला नहीं है। अहो क्रोधियो, अहो क्रोधियो, अहो क्रोधियो। एक जंगल में एक काड़ी लग गई। बैठो मित्र, एक जंगल में पाटनी जी, एक जंगल में एक काड़ी लग गई। धूम धूम जंगल झुलस रहा है, धूम धूम जंगल झुलस रहा है, लेकिन ज्ञानी, ओ मैं आग से एक प्रश्न कर रहा हूं, आपसे नहीं कर रहा हूं, मैं आग से एक प्रश्न कर रहा हूं। हे उताशन, हे उताशन, हे अग्नि, तू मेरा एक प्रश्न सुन ले बस, फिर तुझे जो करना करते रहना। जिस पौधे को तूने राग करने के लिए भाव किया है, हे अग्नि, ये तू उस बीज को मिट्टी में पड़ा देख लेती। हे अग्नि,
बीज को अंकुरित होते देखती, अंकुरित होते जो कोपल आ रहे थे इतने सुहावने थे। हे अग्नि, कोपल आते आते तना बना, तने से डाले निकली और डाल निकल करके विशाल वृक्ष धारण कर लिया। उस पर पुष्प आ गए, उन पुष्पों में फल आ गए। पता नहीं हे अग्नि, तुझे बोध नहीं है, वे फल आ करके पता नहीं कौन से वीतरागी अरहंत के मंदिर में पूजा में चढ़ते और कौन से दिगंबर मुनि के हाथ पर ग्रास बन के आते। हे अग्नि, तूने क्या कर डाला? तेरे अंदर जलाना ही बचा है। हे अग्नि, तेरे अंदर जलाना ही बचा है। जल से मिल लेती, जल से मिल लेती, जिसके पढ़ने से वृक्ष बड़ा है, और तेरे होने से, तेरे संयोग से वृक्ष जल गया, और जिसके संयोग से जल वृक्ष वृद्धि को प्राप्त हुआ है। हे बालको, हे युवाओं, अहो मेरे मित्रों, अहो ज्ञानियों, तुम ऐसे के व्यक्ति के पास रहना जो जल का काम करे, तुम्हारे चारित्र को बढ़ाए। ऐसे व्यक्ति पास मत जाना, तो जे अग्नि की भांति तेरे चार जला दे। अग्नि, तूने क्या कर डाला? तुमको लग रहा था मुस्कुरा मुस्कुरा के, अब से आपको लग रहा था मुस्कुरा मुस्कुरा के, शौक शौक में भी तुमने आग लगाई है, शौक शौक में आग लगाई है। प्रत्युष लोगों ने शौक शौक में आग लगाई है बेटा, शौक शौक में आग लगाई है। तुमको लग रहा था हम तो खेल देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, तुम्हें नहीं मालूम एक जंगल में लगी आग से कितना अनर्थ हो गया है। एक जंगल में लगी अग्नि से कितना अनर्थ हुआ, कितना अनर्थ हुआ, कितने पौधे झुलसे सो झुलसे, कितने जीव जंतु झुलसे, और मित्र कितने काम बिगड़ गए, कितने पेट भरने वाले थे ये पेट तुमने खाली की खाली छोड़ दी। हे आग, हे ज्वाला, हे ज्वाला, तेरे भीतर कभी दया का अंश भी नहीं आया। विश्वास रखना, अग्नि के अंदर, अग्नि के अंदर करुणा नियोग कहता है, चारों स्थावरों में तीव्र कषाय किसी के पास, उसका नाम अग्नि कायक। तीव्र कषाय अग्नि कायक के पास स्वर्ग से आए देवता, स्वर्ग से आए देवता इस स्थावर में जन्म ले सकते हैं, लेकिन अग्नि कायक में कभी नहीं जन्मते। स्वर्ग से आए देवता, उत्तम जामुन, मित्र जामुन, बादाम, श्रीफल, बादाम, श्रीफल, अंगूर जैसे सुंदर सुंदर उच्च जाति के वृक्ष में जन्म लेते हैं, कांटे वाले वृक्ष नहीं बनते देवता, कांटे वाले वृक्ष नहीं बनते देवता। उत्कृष्ट जाति के यदि स्थावर में भी जन्म लेगा कोई देव, तो उच्च जाति का वृक्ष बनता है, अग्नि कायक में नहीं जाता। तो अग्नि कायक में जाते कौन है? मां, जो अग्नि है ना, आप तो जैन हो ना, अग्नि को जीव मानते कि नहीं मानते हो? आप लोग अग्नि को जीव मानते कि नहीं मानते हो? मानते हो ना, अग्नि कायक भी जीव है। धन्य दिगंबर मुनि, वे कभी दीपक भी नहीं जलाते और दीपक भी नहीं बुझाते, अग्नि को भी जीव मानते। जैन मुनि कभी ज्वाला का ना नाश करता है ना उत्पन्न करता है। अग्नि में जन्म लेता कौन है? अग्नि में जन्म लेता कौन है? जो व्यक्ति एक श्वास मात्र भी शांत नहीं बैठ सकता, जिसका शुभा बन चुका है, जब तक मैं ज्वाला जैसे ना भड़कूं, अग्नि जैसे ना भड़कूं, क्षण क्षण में जो बात शांति से कही जा सकती है, एक ईमानदारी की बात बताओ, आप विश्वास मानो, मुझे तो गांधी ऐसे लगने लगता है मित्र, विश्वास मान ज्ञानी, जरा भी कोई ऊंचा सुर बोलता है मैं सोच लेता हूँ कसाई आ गया, अब पता नहीं कितनों की हत्या कर देगा। जैसे कोई ऊंचे सुर में बोलता, विश्वास रखो, आप विश्वास मानो, बहुत सारे लोग मुझे सलाह देने आते हैं,
मुझे सलाह देने आते, कई नगरों में आते। बोले महाराज जी, अब आप तो आचार्य बन चुके हो, बहुत बड़े संघ के नायक हो चुके हैं, बड़ा प्रभाव छा गया है, थोड़ा रुतबा लाओ, थोड़ा थोड़ा लोगों को डांटना सीखो। मैंने कहा ओहो, ये प्रभाव कसाईयों का नहीं है, ये प्रभाव क्षमाशील का है। लोगों को डांट करके, धमका करके, झुका लेना, ये कोई धर्मात्मा की पहचान नहीं है। मित्र, नकेल डाल करके ऊंट को भी नीचे बिठा लिया जाता है, नकेल डाल करके ऊंचे भी, नकेल डाल करके ऊंट को भी बिठा लिया जाता है। मेरे मित्र, अंकुश लगा करके इतने विशाल हाथी को बिठा दिया जा सकता है, लेकिन बिना नकेल के, बिना नकेल के, बिना अंकुश के कोई बिठा सकता है, उसका नाम क्षमाशील होता है। जादूगर का शेर भी देखा आपने, दाऊद का रीच भालू देखा आपने? मैंने देखा है। ओह, जादूगर का रीच भालू, शेर, हाथी। मित्र, वे स्वेच्छा से काम कर रहे हैं कि पीड़ा से काम कर रहे हैं? ए जैन धर्म है, अहिंसा परम ब्रह्म की उपासना करने वाला धर्म है, वीतराग धर्म है। ज्ञानियों, किसी को अंकुश मार के बिठाल देना, ये कसाई का काम, महामत का काम होता है। मेरे मित्र, अंकुश लगा करके हाथी को बिठाल देना, ये महामत का काम होता है। श्रद्धा से बिठाल लेना, ये महाव्रति का काम होता है। ये मुनिराज महावत नहीं है, ये मुनिराज महावत नहीं है, ये महाव्रते हैं।